हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो रियल टेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इलेक्ट्रीशियन के पास जो सबसे खास स्पेशल चीज़ होता है टेस्ट लैंप, उसको किस तरीके से हम लोग बनाते हैं टेस्ट लैंप को, इसके बारे में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। टेस्ट लैंप बनाने के लिए एक आप लोगों को होल्डर की ज़रूरत होती है, जिसके ऊपर कैप भी लगा हुआ होता है, और एक लैंप की ज़रूरत होती है, और उसके बाद में दो वायर का टुकड़ा लेने की ज़रूरत होती है। तो ये जो बल्ब होल्डर है, इसके ऊपर जो कैप लगा है, इसको नॉर्मली रोटेट करने से ये ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद में आप सभी देख सकते हो इसमें दो टर्मिनल लगे हुए हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो हमारा वायर है, दो वायर हैं, तो दोनों वायर को प्लायर की सहायता से इसका PVC निकाल देंगे, को भी प्लायर की सहायता से इसका PVC निकाल देंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लेकिन हम इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ही स्पेशल होता है। कई बार हम लोगों के पास मीटर नहीं होता है, तो हम लोग टेस्ट लैंप का ही यूज करते हैं मोस्टली। जो टेस्टर होता है हमारा, उससे हम लोग सिर्फ फेज चेक कर सकते हैं, उसमें न्यूट्रल तो शो नहीं होगा। लेकिन जो टेस्ट लैंप है, अगर वो फेज न्यूट्रल में ग्लो कर रहा है, तो वहाँ पर फेज भी मिल रहा है और न्यूट्रल भी मिल रहा है। लेकिन अगर हमारा टेस्ट लैंप ग्लो नहीं करता है और टेस्टर में हम लोगों को सिर्फ फेज दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर हम लोगों को न्यूट्रल नहीं मिल पा रहा है, और फिर उस तरीके से, उस हिसाब से हम लोग आगे का काम करते हैं। तो दोनों जो हमारा टेस्ट लैंप है, उसके दोनों टर्मिनल का जो स्क्रू है, उसको लूज कर लेंगे और इसको अंदर वायर को डाल देंगे, और उसके बाद में टेस्टर के हेल्प से स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लेंगे। दोस्तों, स्क्रू को अच्छे से टाइट करना ज़रूरी है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या फिर लूज कनेक्शन रहेगा तो स्पार्किंग भी हो सकता है। अब जो दूसरा वायर है, दूसरे वायर को भी हम लोग दूसरे टर्मिनल में डाल देंगे और स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देंगे। तो टेस्ट लैंप हमारे फील्ड में, जो इलेक्ट्रिसिटी का फील्ड है, बहुत ही स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया, और अब हम लोग जो हमारा बल्ब होल्डर का कैप है, उसमें दोनों वायर को डाल के इसको होल्डर के ऊपर में टाइट कर देंगे, जिससे कि सेफ्टी के लिए अच्छा हो जाएगा। और कैप डाल के इसको रोटेट करके अच्छे से टाइट कर देंगे। तो ये हमारा टेस्ट लैंप बन गया है। अब हम लोग इसमें लैंप को लगा देंगे। ये हमारा टेस्ट लैंप बनके तैयार हो चुका है, और अब मैं आप सभी को चेक करके भी बता देता हूँ। तो चेक करने के लिए भी जो वायर है, दूसरे तरफ से भी वायर को छील लेता हूँ, और इस तरीके से हमारा टेस्ट लैंप रेडी हो जाएगा। ये हमारा टेस्ट लैंप रेडी हो चुका है, तो मैं आप सभी को चेक करके बता देता हूँ। आप सभी देख सकते हो वीडियो में हमारा टेस्ट लैंप ग्लो कर रहा है। दोस्तों, वैसे तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस से हमारा टेस्ट लैंप बन जाता है और सिंपल दिखता है, इसमें कुछ नहीं है। आपको शॉप से एक होल्डर लेना है और एक लैंप लेना है, लेकिन ये टेस्ट लैंप हम लोगों के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। इससे हम लोग बड़े बड़े फॉल्ट को भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, चाहे वायरिंग में न्यूट्रल का ना मिलना हो, या फिर किसी पॉइंट पर फेज का ना मिलना हो। फेज तो हम लोग टेस्टर से ही फाइंड कर लेते हैं, लेकिन जो न्यूट्रल है, उसको फाइंड करने में टेस्टर से सक्सेस नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोगों को टेस्ट लैंप का यूज करना पड़ता है, और टेस्ट लैंप का यूज करना ज़्यादा रिलायबल भी होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग टेस्ट लैंप बनाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।